हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेम दीवानी मीरा के काव्य में लोक जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस बात को मानकर चलते हैं कि साहित्य जीवन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जब साहित्यकार कुछ लिखता है तो वह जीवन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को ही स्पष्ट करना चाहता है। समाज से जुड़कर ही वह अपनी बात कहता है, समाज के बिना अपनी बात नहीं कहता है। मीरा चूंकि भक्त थी, उन्होंने जो भक्ति की है वह भक्ति इस तरह की नहीं है कि वह कहीं एकांत में जाकर भक्ति करे। समाज के बीच रहकर ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, इस तरह की बात मीरा कहना चाहती है। वह अपने आराध्य के प्रति अनन्य भाव से समर्पण रखती है और उस समर्पण को अभिव्यक्ति देती है, पर समाज से अलग नहीं होती। समाज के मध्य रहकर ही वह अपनी बात कहना चाहती थी। लोक जीवन से अलग रहकर अपनी भक्ति का प्रसार करना उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा है और इसीलिए उन्होंने लोक जीवन में प्रचलित मान्यताओं विश्वासों को दृष्टिपथ में रखकर अपनी बात को कहा है और इस तरह से उनका काव्य एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से युक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये लोक जीवन है क्या। इसका अर्थ है जिस लोक या समाज में हम रहते हैं उसको हम समग्रता से ग्रहण करें और यह समझने की भी साथ में हमें चेष्टा करें कि यह लोक ही हमारा जीवन है और इसी से जुड़कर हम पोषण प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मीरा भी क्योंकि ये मानती थी, इसलिए उन्होंने अपने जिस काव्य का सृजन किया है, जो पद लिखे हैं, वो उनका लोक साहित्य कहलाता है। लोक साहित्य लोक मानस की ही छवि को प्रस्तुत करता है और लोक जीवन से जुड़े हुए उपकरणों को अपनाते हुए अपनी बात को कहता है। जब हम मीरा के संपूर्ण काव्य का अवलोकन करते हैं तो हमें ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं कि उन्होंने लोक जीवन को अपनाया है। अब बात आती है लोक जीवन है क्या। लोक जीवन के अंतर्गत लोक में प्रचलित विश्वास आते हैं और उसके साथ ही साथ उस समाज में प्रचलित शकुन अपशकुन का स्थान भी उसमें होता है। उस लोक में प्रचलित रीतियां, लोक पर्व, लोक रूढ़ियां, लोक जीवन के महत्व पाने वाले श्रृंगार प्रसादन के साधन, लोक के मते खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ इत्यादि सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से मीरा के काव्य के अंतर्गत लोक जीवन को देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लोक विश्वास को। लोक विश्वास मतलब सामान्य व्यक्ति का विश्वास, समाज का विश्वास। यह लोक विश्वास उन मान्यताओं और धारणाओं को अपने साथ लेकर चलता है जो लोक जीवन में युग युग से एक लंबे समय से चली आ रही होती है और लोग इन्हें अपने जीवन में मान्यता दे चुके होते हैं। इनका आधार कोई तर्क नहीं होता बल्कि केवल भावना होती है और भावना जहाँ होती है वहाँ बुद्धि व्यर्थ प्रमाणित हो जाती है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। आज का युग बुद्धिवादी युग है। यदि कोई इन्हें अंधविश्वास भी कहना चाहे तो कह सकता है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति इन्हें आज भी स्वीकार करता है और उसकी संपदा के रूप में, समाज की संपदा के रूप में आज भी समाज के अंदर ये बात विद्यमान है। एक सामान्य व्यक्ति इन बातों को मानता है। मीरा इस भाव को गहराई से पहचानती थी और उन्होंने अपने पदों में इसीलिए जनसाधारण में प्रचलित अनेक लोक विश्वासों को वाणी दी है। अब किस प्रकार उनके काव्य में लोक विश्वास अभिव्यक्त हुए हैं इसे जब हम देखते हैं तो ज्योतिष की बात हम करते हैं। जब हम जनजीवन के अंतर्गत देखते हैं तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां वहां बहुत महत्व रखती है। लोग भविष्यवाणी करवाते हैं
और ये पता लगाना चाहते हैं कि उनके भविष्य के अंतर में क्या छुपा हुआ है। इसी तरह से जब किसी का कोई प्रिय बहुत लंबी यात्रा पर अवधि या लंबी अवधि के लिए बाहर जाता है और वापस लौटने में उसे वक्त लग जाता है, तब वह ज्योतिषों के पास जाकर उनसे लौटने का समय पूछना चाहता है और उस तिथि को जानना चाहता है जब उनके प्रिय लौटकर वापस उनके पास आ जाएंगे। मीरा भी क्योंकि अपने प्रिय की दीवानी है और अपने प्रिय का इंतजार कर रही है, तो वह इसी तरह से ज्योतिष से पूछती हुई दिखलाई देती है। उनके काव्य की एक पंक्ति हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, कहो न जोशी प्यारा राम मिलन कद होसी। और संयोग देखिए कि जो संभावित तिथि बताई जाती है उनके प्रिय उनके पास आ जाते हैं और मीरा की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति में मीरा ज्योतिष को बधाई देना भी नहीं भूलती है और वह कहती है, जोशीड़ा ने लाख बधाई, अब घर आया श्याम। इसी तरह से ज्योतिष के समानी तंत्रों मंत्रों में आस्था भी लोक जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार के संदर्भ हमारे शास्त्रों के अंतर्गत भी मिलते हैं और यदि हम गांव में आज भी जाएं तो बहुत से लोग प्रेत बाधा को दूर करने के लिए तांत्रिकों और सियाणों के पास आते जाते हुए दिखलाई देते हैं। और जो ये तांत्रिक लोग हैं वह बहुत से व्यक्तियों की इस तरह की बाधाओं को दूर करते हुए भी हमें नजर आते हैं। मीरा भी प्रिय विरह में निमग्न रहती थी, इसलिए विरह की व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी तंत्र मंत्रों की आवश्यकता का अनुभव किया है। उनके पद हैं, तंत्र मंत्र औषध कर तक पीर न जाई, हे कोई उपकार करे कठिन दर्द की माई। इस तरह से उन्होंने तंत्र मंत्र की बात भी अपने काव्य के माध्यम से किए। इसी तरह से एक तथ्य और जनजीवन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, वह है शकुन। शकुन शास्त्र बहुत महत्व रखता है और राजस्थान के अंतर्गत तो इसका विशेष ही महत्व है। ऐसी स्थिति में जब आज महत्व है तो मध्य युग में जब मीरा हुई थी तो शकुन का बहुत ज्यादा महत्व था। यहाँ तक कि रोजगार के रूप में भी इसे अपनाया जाता था और जो अपनाने वाले थे शकुन बताने वाले वे सूणी या सवणी कहलाते थे। और इस तरह इनका काव्य में वर्णन मिलता है, जिसड़ो सवण हुए तिसड़ो आप मालम करे। इस तरह की बात उन काव्य में मिलती है। शगुन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के होते हैं, जिनका शगुन विषय ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है और उन शकुन शास्त्र को भी मीरा ने अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। इस शकुन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिससे अंग फड़कना, स्त्रियों के वाम अंग और पुरुषों के दक्षिण अंग फड़कना शुभ माना जाता है। प्रिय मिलन के लिए शकुन शास्त्र को अपनाने वाली आकुल मीरा भी अपनी बाई आंख फड़कने पर हर्ष से फूली नहीं समाती है और उसके काव्य की पंक्ति है, कद आसो गोपियां वालो कान फरके बाई आंखड़ो। पक्षों का उड़ना भी शकुन शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। व्यक्ति अपने अंग फड़कने से जिस तरह से शकुन अपशकुन देखता है, उसी तरह से प्रिय स्मरण के साथ ही किसी पक्षी का अकस्मात उड़ जाना भी प्रिय मिलन का असंदिग्ध सूचक माना गया है। इसलिए विरहिणी प्रिय स्मरण करती हुई कोए को उड़ाती है और सोचती है, यदि कोआ उड़ जाता है तो उसके प्रिय आने वाले हैं, यह उसे पता चल जाएगा। कभी हंस को भी उड़ाती है। इस तरह से मीरा के काव्य में यह पक्षियों के उड़ाने की बात भी अभिव्यक्त हुई है। उड़ उड़ जा रे कागा वन का, श्याम गया बहो दिन कारी। इस तरह से वे बात करती, हंस को भी उड़ाती है। वह सरोवर को हंस को उड़ाते हुए कहती है, उड़ जा रे सरवरिया रा हंस, सोने से गड्ढा ध्यू तेरी चोंच। इस तरह की बात उन्होंने अपने काव्य में की है। विरह वर्णन के अंतर्गत पक्षियों के उड़ जाने का अनुरोध लोक काव्य में एक तरह से लोक रूढ़ी के रूप में ही प्रचलित
प्रचलित हो गया है। प्रिय मिलन पर उन्हें प्रलोभन देने की बात भी बार बार काव्य में की जाती है और मीरा ने भी इस तरह की बात कही है। चोच मंडाऊ थारी सोहणी रे तुम्हारा सिरताज, इस तरह से वह पपिए से अनुरोध करती है। इसी तरह से एक बात और लोक जीवन के अंतर्गत हमें देखने में आती है, जब बहुत से शकुन अपशकुन वाली बात की जाती है तो व्यक्ति का मन धर्म भरोसा हो जाता है। छोटी मोटी आपत्ति आने पर ही उसे भय लगने लगता है और उसे ऐसा विश्वास होने लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने श्राप दे दिया है या उसे बुरा कह दिया है। कसम दिलाने वाली बात हमारे यहाँ जैसे बहुत नजर आती है, तो इस तरह की बात से डरे हुए व्यक्ति की स्थिति समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है। एक सामान्य व्यक्ति हमेशा इस बात के लिए डरा रहता है कि कोई व्यक्ति उसे कोस न दे, कोई व्यक्ति उसे शाप न दे या फिर कोई उसे बुरी नजर से नहीं देख ले। यदि ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या आफत उसके जीवन में आ जाएगी। इन सब स्थितियों के बुरे प्रभावों से व्यक्ति बचना चाहता है और वह शापों में विश्वास करना लगता है। हम यदि देखें तो संस्कृत के प्राचीन काव्यों में भी इस तरह की बात देखने को मिलती है। मीरा भी क्योंकि समाज से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए इस तरह की शाप वाली बात को भी अभिव्यक्ति दी है। जो थे पकड़ोला हाथ मारो खबरदार मनमाही, देऊंगी शराब में साचा मनसू बल जल भस्म हो जाई। इस तरह की बात उन्होंने अपने काव्य में की है जो उनके काव्य को लोक जीवन से जुड़ा हुआ अभिव्यक्त करती है। जहां तक लोक रूढ़ियों की अभिव्यक्ति की बात है, मीरा के काव्य में लोक रूढ़ियों का वर्णन भी बहुत हद तक हुआ है। उन्होंने अपने विरह वर्णन के अंतर्गत बहुत सी ऐसी लोक रूढ़ियों को वाणी दी है जो लोक जीवन से जुड़ी हुई है। सामान्यतः जब विरही विरह दग्ध हो जाता है तो वह अपने प्रिय को किसी न किसी पक्षी द्वारा संदेश भेजता है। कालिदास ने तो मेघ को ही इसके लिए प्रयोग किया है और तभी से वह अपने प्रिय के आने के दिन भी गिनने लगता है और दिन गिनते गिनते उसकी उंगलियां घिस गई है, उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं, उसकी आंखें दर्द करने लगी है। इस तरह की बातें लोक रूढ़ी के रूप में काव्य में प्रयोग की जाती है और लोक जीवन के अंतर्गत देखी जाती है। मीरा के काव्य के अंतर्गत भी ये बात हमें देखने को मिलती है। प्रियतम कृष्ण के लौटने के दिन गिनते गिनते उनकी उंगलियां घिस गई है, इस तरह का उन्होंने लिखा है। गिनता गिनता घस गई रे महारा उंगलियां री रेख। अब ये उंगलियों का घिस जाना उनके काव्य में केवल एक ही जगह नहीं, अनेक जगह प्रयोग हुआ है। इसी तरह से उन्हें लगता है कि उनके प्रिय आ रहे हैं तो वे मोतियों से चोक भी पूरती है। मोती चोक पुराऊं बाल्हा तन मन तो पर वारूं, इस तरह की बात उन्होंने की है। इसी तरह से उन्होंने कहा है, डगर बुआरू पंथ निहारू जोई जोई अखियां राती, तुम देखिया बिन कल न परत थे यो पठत मेरी छाती। लोक रीतियों का वर्णन भी उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। लोक रूढ़ियों का वर्णन हमने देखा है, अब बात आती है जब लोक रीतियों की। तो गांव में जब किसी परिवार के यहाँ कोई ब्राह्मण अतिथि आता है तो उसके निमित्त बहुत सफाई की जाती है और पवित्रता और शुद्धता से वह परिवार उसके लिए भोजन तैयार करता है। ब्राह्मण अतिथि आया है तो क्योंकि ब्राह्मण समाज में पवित्र माना जाता है तो वैसी ही पवित्रता उसके भोजन के लिए परिवार अपनाता है। मीरा ने भी ब्राह्मण अतिथि के पवित्र आदर सत्कार वाली लोक रीति का वर्णन काव्य में किया है। थे मारे घर आओ बंसीवारा, करस्या बहुत लड़ानी,
करूं रसोई सोंद की जी, बहुत करूं मिजमानी। इस तरह वह श्री कृष्ण को आमंत्रित करती है और अपनी बात कहती है। इसी तरह से एक लोक रीति है समाज की, वह है विवाह से पूर्व वर और वधू को हल्दी लगाने की, जिसमें अनेक सुगंधित पदार्थ शरीर के अंगों पर लगाए जाते हैं, जिसमें हल्दी मिली हुई होती है। लोक शब्दावली में इसे पीठी लगाना भी कहते हैं। राजस्थान में कितने ही लोकगीतों में इस तरह का भाव अभिव्यक्त होता है। मीरा के पद में भी इस तरह का भाव है, हल्दी तो पीठी मारे अंग लिपटाई मेहंती सु राचिया महाराहत। ये हल्दी और मेहंदी राजस्थान की विशेष विशेषताओं के अंतर्गत आती है, जिसका वर्णन कवित्री मीरा ने किया है। देव पूजा और व्रत उत्सव व्रत उपवास का उल्लेख भी इनके पदों में हमें मिल जाता है। और इसी से लगता है कि मीरा का जो काव्य है वो लोक चेतना से युक्त काव्य है। अब बात आती है लोक पर्व की, लोक उत्सव की। मीरा के पदों में लोक जीवन में विशेष महत्व प्राप्त करने वाले लोक पर्वों त्योहारों और उत्सवों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के जनजीवन में जब हम देखते हैं तो होली तीज गणगौर के पर्व का विशेष महत्व होता है। होली के पर्व का उसमें की जाने वाली मस्ती और मौज का वर्णन मीरा के पदों में हमें देखने को मिलता है। रंग भरी रंग सु भरी भरी होली आई प्यारू रंग सु भरी, उड़ता गुलाल लाल भयो अंबर पिचकारियां सी लागी झरी सी। इस तरह की बात मीरा ने अपने काव्य में की है। होली में जब उनकी सखियां राग रंग में मस्त होकर अपने अपने प्रियजनों के साथ मौज मस्ती करती है, तब मीरा को दुख होता है और उन्हें अपने प्रिय की याद आती है। और इस स्मृति से पद भी उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किए हैं। होली पिया बिन मोहिन भावे, घर आंगन न सुहावे, मीरा जिए कहाँ करूँ सजनी पिए परदेश रहावे। इस तरह से मीरा ने अपने विरह को अभिव्यक्ति देते हुए काव्य में लोक जीवन को अभिव्यक्ति दिए। तीज गणगौर का वर्णन भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। रे सांवलिया मारे आज रंगोली गणगौर छे जी। इसी तरह से सावण में झड़ लाग्यो सखी तीजा खेले हो। इस तरह की बात मीरा अपने काव्य में करती है और लोक जीवन को अभिव्यक्ति देती है। लोक जीवन में प्रकृति भी अपना विशेष महत्व रखती है। देखा जाए तो लोक जीवन का पालना ही प्रकृति है। वैसे राजस्थान मरु प्रदेश माना जाता है, इसका कुछ हिस्सा। जब हम मीरा के समय की बात करते हैं तो उस समय रेत के विस्तार से भरा हुआ था। अब अलग बातें, हम क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ही उनके काव्य को देखेंगे, उस समय कहीं कहीं फोग और केर की झाड़ियां देखने को मिल जाती थी। आज भी ये राजस्थान में बहुतायत से विद्यमान है और इसका वर्णन मीरा ने अपने काव्य में किया है। उन्होंने एक जगह पर संसार की उपमा बीड़ के कांटे से की है और केर की बात भी उन्होंने अपने काव्य में की है। लोक जीवन में आभूषण और भोज्य पदार्थों का भी विशेष महत्व होता है। कुछ विशेष भोज पदार्थ होते हैं जो लोक जीवन में खाए जाते हैं और इसी तरह से कुछ विशेष आभूषण भी यहाँ के होते हैं, जैसे रखड़ी मंगलसूत्र खरवालो बाजूबंद नग बेसर चुड़लो। इस तरह के आभूषणों की बात मीरा ने अपने काव्य में की है। राधा रुक्मण रो नौसड़हार किशन जी की राखड़ी, चुड़लो तो पहनू ए हाथी दांत को पहरू ए नौसर हार। इस तरह की बात उन्होंने की है। लोक जीवन के भोज्य पदार्थों के अंतर्गत षटरस व्यंजन का उल्लेख भी मीरा ने किया है। लापसी और मगध भी यहाँ पर विशेष रूप से खाई जाती है, विशेष भोज्य पदार्थ है जिसका वर्णन भी मीरा के काव्य में हमें देखने को मिलता है। लोक जीवन की भाषा तो मीरा ने अपनाई है, यह तो हम मीरा के संपूर्ण काव्य से जान ही गए हैं।
मीरा ने कितने ही लोक जीवन के शब्दों, लोकोक्तियों, लोक प्रचलित मुहावरों का भी यथा प्रसंग अपने काव्य में प्रयोग किया है। जैसे हम देखते हैं, नाचण लागी तब घूंघट